ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक हम क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक हम करते क्यों हैं। होता क्या है, मतलब कि किसी जगह पे अगर कोई एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक का मतलब क्या है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा अगर कोई बीमारी उस जगह पे होने लगी, उसको कहते हैं एपिडेमिक। तो अगर वो एपिडेमिक हुआ है तो हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, जिससे कि हम मैग्नीट्यूड पता लगा सकें कितने बड़े स्केल में वो एपिडेमिक हुआ है या बीमारी फैली है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने बीमारी कराई है, क्या वहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था या मोड ऑफ ट्रांसमिशन था जिस वजह से बीमारी फैली है, और सबसे आखिरी में हम क्या क्या रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे। तो ये हमारे मुख्य ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक का। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक की ना 10 स्टेप्स होती हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक की। अब ना किसी जगह पर कोई एपिडेमिक हुआ है तो आप ना ऐसे नहीं बोलते हाँ भैया एपिडेमिक हुआ है। आपको पहले तो पता लगाना पड़ेगा वहाँ पे एपिडेमिक हुआ है भी कि नहीं। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेटर को भेजते हो, इन्वेस्टिगेटर जाता है वहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, ये 10 स्टेप्स करता है। तो 10 स्टेप में सबसे पहली स्टेप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक की है वो है वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। हमने कहा कि एक पर्टिकुलर जगह पे मलेरिया का एपिडेमिक हो गया है, तो इन्वेस्टिगेटर जाएगा, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो सबसे पहली चीज़ क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ करेगा कि भाई पहले तो ये बताओ कि एपिडेमिक हुआ भी है कि नहीं। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक की, दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस कि हुआ भी है उस बीमारी का एपिडेमिक कि नहीं। तो वेरिफिकेशन कैसे करेगा, सबसे पहली चीज़ तो कि सभी को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे सैम्पलिंग करता है, कुछ लोगों के लैब इन्वेस्टिगेशंस कराता है, और लैब इन्वेस्टिगेशन करा के उसके बाद वो बोलता है कि हाँ भाई जो बीमारी का बोल रहे थे एपिडेमिक होना है उस बीमारी का एपिडेमिक हुआ है। हाँ, तो वेरिफिकेशन कर दिया उसने डायग्नोसिस का कि हाँ इस बीमारी को बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं, पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमने ये तो देख लिया कि वो बीमारी है वहाँ पे। सेकेंड स्टेप होता है कि भाई वो बीमारी जो है उसका एपिडेमिक है कि नहीं है। याद है हमने क्या कहा था, एंडेमिक और एपिडेमिक दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एंडेमिक का मतलब होता है कंटिन्यूसली कोई बीमारी वहाँ पे प्रेजेंट है, जितना हमने सोचा था उतनी मात्रा में वो बीमारी वहाँ मिल रही है। एपिडेमिक का मतलब होता है जितना हमने सोचा था या जितनी हमेशा वो बीमारी वहाँ पे होती थी उससे कहीं ज़्यादा वो बीमारी होने लगे, तो दैट इज़ एपिडेमिक। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि एपिडेमिक हुआ है, कैसे कंफर्म करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि अभी जितनी वहाँ पे बीमारी है, डिजीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंपेयर करेंगे पिछले साल इसी वक्त वहाँ पे कितनी बीमारी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम RDGMC कैंपस की बात करें तो मलेरिया के पिछले साल अगर यहाँ पे 10 केसेस आए थे तो अभी देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 40 केस आ रहे, तो हम बोलेंगे हाँ भैया 10 केस की जगह पे 40 केस आने लगे हैं, यानी कि एपिडेमिक है। अच्छा, एक एपिडेमिक की एक और चीज़ याद रखना, एपिडेमिक कब बोलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक जगह है जहाँ पे मलेरिया होता ही नहीं है, मलेरिया कब भी नहीं हुआ, तो वहाँ पे ना एक केस भी आएगा तब भी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड थी दैट वाज ज़ीरो, तो वहाँ पे एक दो या कहना चाहिए 5 केसेस भी आ गए ना, तो हम कहेंगे हाँ भैया इसका एपिडेमिक हो गया है क्योंकि एक्सपेक्टेड वाज ज़ीरो और 5 से 6 केसेस आ गए, तो मोर देन एक्सपेक्टेड इज एपिडेमिक। तो वही चीज़ है, हम कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस कन्फर्मेशन ऑफ एपिडेमिक कैसे करेंगे, हम डिजीज़ फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि अभी कितनी बीमारी है वहाँ पे और पिछले साल कितनी थी, अगर उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा डिजीज़ फ्रीक्वेंसी है पिछले साल के मुकाबले तो हम बोलेंगे हाँ भैया एपिडेमिक है, तो हमने कन्फर्म कर लिया एपिडेमिक। अपना रेंज होती है, ऐसा नहीं कि अगर 10 केसेस आ रहे थे तो अभी बोल रहे हैं कि 11 केसेस आ गए तो एपिडेमिक है, नहीं, एक रेंज होती है, वो रेंज किससे, हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर, तो उसके हिसाब से 2 स्टैंडर्ड एरर एंडेमिक के लिए अलाउड होता है कि एंडेमिक से 2 स्टैंडर्ड एरर ऊपर नीचे हो जाए तब हम आर्बिट्री लिमिट कहते हैं कि भाई एपिडेमिक थ्रेशोल्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 केसेस आते हैं तो 12 केसेस आ गए तो आप बोल दो कि हे भगवान एपिडेमिक हो गया, नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चलता है। फिर
आपने वेरीफाई कर लिया कि वो बीमारी है वहाँ पे, आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ भैया उस बीमारी का एपिडेमिक भी है, क्योंकि पिछले साल जितने केसेस आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा केसेस अभी आने लगे हैं, तो आपने कंफर्म भी कर लिया। सेकंड स्टेप, अब थर्ड क्या करोगे? अब आप थर्ड चीज़ ये करोगे कि आपने पता चल गया कि भाई उस जगह पे एपिडेमिक है, तो आप उस जगह पे एट रिस्क पॉपुलेशन को ढूंढोगे कि कौन कौन लोग हैं जो एट रिस्क हैं। उसके लिए आप दो चीज़ें करते हो। पहली चीज़ तो उस जगह का पूरा एक मैप तैयार करते हो और फिर वहाँ की पॉपुलेशन को काउंट करते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैप तैयार करना। ये कई बार आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता, भाई मैप कैसे तैयार करेगा, तो ये बता। बहुत सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह जहाँ पर कोई बीमारी फैली है, आपने वहाँ पे लैंडमार्क सबसे पहले तो मार्क कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक मंदिर या मस्जिद कुछ भी है, ये आपने मार्क कर लिया। फिर आपने बोला कि उस गांव में भाई एक कुआं है, आपने उसको भी मार्क कर लिया। उसके बाद आपने कहा कि वहाँ पे एक पंचायत वाला पेड़ होता है, उसको भी मार्क कर लिया। तो इतनी चीज़ें आपने मार्क कर ली। उसके बाद आपने क्या किया, सेकेंड चीज़ कि उसको ना अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया। तो पहली चीज़ क्या कि आपने नेचुरल लैंडमार्क्स, वहाँ के रोड्स और लोकेशन आपने सेंड कर दी कि भाई ये पूरा का पूरा एक एरिया है, वहाँ पे यहाँ पे आपका मंदिर है, यहाँ पे आपका कुआं है, यहाँ पे आपका पेड़ है, यहाँ से ऐसी रोड जा रही है, यहाँ से ऐसी रोड जा रही है, यहाँ से ऐसी रोड जा रही है। आपने क्या किया कि पहले तो जो नेचुरल लैंडमार्क्स हैं उनको मार्क कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अलग अलग सेगमेंट में एरियाज़ को डिवाइड कर दिया। ये एक सेगमेंट हो गया, ये दो सेगमेंट हो गया, तो आपने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। और उन सेगमेंट को भी और स्मॉलर सेक्शन में आपने और छोटा बहुत सारा कर दिया। तो आपने क्या किया, पूरा का पूरा एरिया था वहाँ पे आपने मार्क की लैंडमार्क्स, उसके बाद आपने उसको बड़े से सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने उसको और छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपने देखा ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं इसमें कितने हाउसेस हैं, यहाँ पे आपने ये सारे हाउसेस बना दिए कि भाई ये सारे हाउसेस इन छोटे छोटे सेगमेंट्स में हैं, और इन हाउसेस को आपने नंबर दिए, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच, नंबर छः, नंबर सात, ऐसे करके आपने हाउसेस को भी नंबर दे दिए। इस तरह से आप ना जब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक करते हो तो आप मैप तैयार करते हो, जो कि अभी अगर बात करें कोविड में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो भी रही होंगी, क्योंकि एक तरह का एपिडेमिक ही है जो बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो पैंडेमिक हो गया है। तो आपने क्या किया, मैप बनाते समय लैंडमार्क्स आपने पहले मार्क किए, रोड्स मार्क की, उसके बाद आपने उसको बड़े बड़े सेगमेंट में डिवाइड किया, उसके बाद उन्हीं बड़े सेगमेंट को छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया, और उसके बाद उन छोटे सेक्शंस के अंदर जो हाउस थे उनको मार्क करके उनको नंबर्स दे दिए। उसके बाद सेकंड चीज़ आप करते हो पॉपुलेशन को काउंट करना, और उसके लिए आप क्या करते हो, घर घर जाके विजिट करते हो। तो आपने चार नंबर में गए, एक नंबर में गए, दो नंबर में गए, सात नंबर में, घर घर जाके हाउस विजिट करते हो। इस समय कोविड में जो रैपिड रिस्पांस टीम वगैरह हैं वो, या फिर कोविड कॉम्बैट टीम है, वो सारी लोग जो हैं वो हाउस विजिट्स जाके कर रहे हैं, देख रहे हैं एट रिस्क कौन है या कौन ससेप्टेबल है या कौन एक्सपोज्ड है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज़ आप पॉपुलेशन एट रिस्क को देखने के लिए एरिया तैयार करते हो और फिर पॉपुलेशन को काउंट करते हो। एरिया तैयार करने के लिए आपने लैंडमार्क्स बनाए, सेगमेंट्स किए, छोटे सेगमेंट्स किए, हाउस को नंबरिंग दी, और पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए आप हाउस टू हाउस विजिट्स करके पॉपुलेशन को काउंट करते हो। ये हो गई आपकी तीन स्टेप। पहले स्टेप क्या, वेरिफिकेशन। सेकेंड स्टेप क्या, कन्फर्मेशन। थर्ड स्टेप क्या, डिफाइन करो पॉपुलेशन जो एट रिस्क पे है। अब अगला पॉइंट होता है कि अब आपने ना घर भी काउंट कर लिए, अब आपका अगला कदम होता है कि आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी ढेर सारे केसेस को ढूंढो, क्योंकि एपिडेमिक हुआ है तो इससे पहले कि और फैल जाए आप जल्दी से जल्दी केसेस को ढूंढो। और उसके लिए आप करते हो मेडिकल सर्वे, और मेडिकल सर्वे करने के लिए आपको लगती है एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट। तो ये दो नाम, मेडिकल सर्वे करते हो, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट के थ्रू एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट आप भरवाते हो, जो कि अभी कोविड कॉम्बैट टीम वगैरह और रैपिड रिस्पांस टीम वगैरह ये सब कर रही होंगी, जो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में जाके करते हैं। उसके बाद आता है कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा केसेस ढूंढते हो, कैसे ढूंढते हो। पहले तो उसी घर में जहाँ पे केस मिला था, उसके बाद उस जहाँ केस मिला तो उसकी फैमिली वालों में ढूंढते हो, और उनके आस पड़ोस में जाके देखते हो कि और केसेस तो नहीं है। डेली आप नए केसेस ढूंढने की कोशिश करते हो। अब
तब तक ढूंढते रहते हो, तब तक ढूंढते रहते हो जब तक कि वो जो पूरा एरिया है फ्री फ्रॉम द एपिडेमिक ना डिक्लेयर हो जाए। और फ्री फ्रॉम द एपिडेमिक कब डिक्लेयर होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब तक उस पर्टिकुलर बीमारी के इंक्यूबेशन का दुगना समय ना बीत जाए आखिरी केस को आए हुए। कि जब आखिरी केस आया था उससे दुगना समय हो चुका है उस बीमारी के इंक्यूबेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी बीमारी का 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है तो अगर 28 दिन बीत चुके हैं आखिरी केस को आए हुए उस जगह से, तब हम कहेंगे कि हाँ भैया फ्री फ्रॉम एपिडेमिक वो जगह हो चुकी है। सिंपल। तो चौथा स्टेप क्या है आपका? सबसे पहले स्टेप आपने वेरीफाई किया डायग्नोसिस को, सेकंड स्टेप इज़ आपने कंफर्म किया एपिडेमिक को, थर्ड स्टेप इज़ आपने पॉपुलेशन एड्रेस देखी, उसके बाद आपने चौथी स्टेप केस ढूंढना शुरू किया। अब आपने केस भी ढूंढ लिए हैं, आपके पास उनका सारा डेटा आ गया है, अब आप क्या करोगे उस डेटा का एनालिसिस करोगे। और एनालिसिस कैसे करते हैं हम, तो हमने पहले देखा था टाइम प्लेस और पर्सन के हिसाब से। टाइम के हिसाब से आप क्या करोगे, एपिडेमिक कर्व बनाओगे। हमने एपिडेमिक कर्व देखा था, इस टाइप का होता है एपिडेमिक कर्व। यहाँ पे आपके पास टाइम होता है और यहाँ पे आपके पास केसेस होते हैं, यहाँ पे आपके पास टाइम होता है, तो आप एपिडेमिक कर्व बनाओगे टाइम के लिए। प्लेस के हिसाब से आप क्या बनाओगे, प्लेस के लिए हमने ये भी पढ़ चुका है कि हम पूरा का पूरा स्पॉट मैप तैयार करते हैं कि भाई एक जगह का नक्शा ले लिया, उसके बाद केसेस आपने लिए जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो कि जॉन स्नो ने कॉलेरा के लिए किया था, तो आप स्पॉट मैप बना लेते हो। और सबसे आखिरी में जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी की सबसे आखिरी चीज़ पढ़ी थी, दैट वॉज कि अब आपको बंदा पता है तो बंदों को आप अलग अलग बंदे पता है तो आपको एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इतनी एज में इतने केसेस मिले, सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मेल्स में ज़्यादा मिले कि फीमेल्स में ज़्यादा मिले, ऑक्यूपेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि भाई कोई फार्मर्स हैं उनमें ज़्यादा मिल रहे हैं कि लोहार में ज़्यादा मिल रहे हैं कि लकड़हारों में ज़्यादा मिल रहे हैं कि मैकेनिक्स में कि डेस्क जॉब वालों में, ये आप एनालिसिस के समय टाइम प्लेस और पर्सन के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आपने वेरीफाई कर लिया, कन्फर्म कर लिया, पॉपुलेशन एड्रेस निकाल ली, केसेस बता दिए, उसका डेटा का एनालिसिस कर लिया, उसके बाद क्या, अब आपके पास सारी जानकारी है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस क्या होता है कि कॉजिटिव फैक्टर की वजह से बीमारी होती है। जैसे हम कहें कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, तो ये आपने हाइपोथेसिस बनाया कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। अब आपको इसको बनाना है, इसको टेस्ट करना है, इसको कंफर्म करना है, तो सिक्स स्टेप होती है, आप अपना हाइपोथेसिस बना लो कि भाई ये जो बीमारी फैली है उसका पॉसिबल सोर्स ये था, पॉजिटिव एजेंट ये रहे होंगे, मोड ऑफ स्प्रेड ये रहा होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये रहे होंगे। मलेरिया की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया प्लाज्मोडियम से हुआ था, मोड ऑफ स्प्रेड जो था वो अपना मच्छरों से हुआ था, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपका इकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, पानी आनी भरा रहता था, ब्रीडिंग साइट्स बहुत ज़्यादा होती थी, मलेरिया हुआ, तो आप सारी चीज़ें हाइपोथेसिस आपने बना लिया। फिर आप क्या करोगे, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के लिए वही आप अटैक रेट से कंपेयर करोगे कि इस जगह पे कितना अटैक रेट है। हमने दो तरह के पढ़े भी थे, प्राइमरी अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट। तो आपने हाइपोथेसिस, याद है मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाइपोथेसिस का फॉर्मूलेशन किस स्टडी से करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी से, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किस स्टडी से करते हैं हम, एनालिटिकल स्टडी से, और कन्फर्मेशन के लिए मुझे पता है आपको पता होगा कि उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने फॉर्मेशन कर लिया हाइपोथेसिस का, हमने टेस्ट कर लिया हाइपोथेसिस का, अब आठवीं स्टेप पे आते हैं, दैट इज अब हम क्या करेंगे, अब हम इवेल्युएट करेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स को कि भाई आसपास के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे उन्होंने कितना रोल प्ले किया उस बीमारी को फैलाने में, और उन एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहा होगा। तो डिजीज से रिलेट करके हम सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इवेल्युएट करेंगे, क्या वजह हो सकती थी। तो हमने आठवीं स्टेप है इवेल्युएट कर लिया, उसके बाद याद है हमने पॉपुलेशन एट रिस्क वालों को आपने देखा था कि उनके बारे में सारी जानकारी ली, अब उन्हीं पॉपुलेशन एट रिस्क वालों पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, उनकी स्क्रीनिंग करो, स्क्रीनिंग टेस्ट लगाओ उनमें, उसके अलावा जो सस्पेक्टेड रहते हैं उनका सैंपल लो और बायोकेमिस्ट्री लैब में भेजो, वहाँ पे टेस्ट लगाओ और फिर फाइनल रिजल्ट लाओ कि भाई उनको कौन कौन सी बीमारियाँ हैं कि नहीं है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क हमारी नौवीं स्टेप होगी।
और सबसे आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ना, कि आपने सब कुछ कर लिया उसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेटर होता है, हु इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द एपिडेमिक, वो अपनी रिपोर्ट बनाता है। तो ये जो रिपोर्ट होती है उसको कंप्लीट होनी चाहिए और कन्विंसिंग होनी चाहिए कि भाई हवा में बातें नहीं करनी है, कन्विंसिंग रिपोर्ट होनी चाहिए कि हाँ अगर ये बीमारी फैली तो इस वजह से फैली, इसके ये इटोलॉजिकल फैक्टर्स थे, इतने लोगों में फैली। हवा में बातें नहीं करनी है, कन्विंसिंग बातें करनी है। और फॉलोइंग हेडिंग्स के तहत हम रिपोर्ट को लिखते हैं। पहले तो उस जगह का बैकग्राउंड लिखते हैं, फिर वहाँ का हिस्टोरिकल डेटा लिखते हैं, फिर मेथडोलॉजी लिखते हैं, फिर हम बताते हैं कि हमने कैसे एनालिसिस किया डेटा को, और सबसे आखिरी में और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी बताते हैं कि ये जो एपिडेमिक फैला है ये इन इन वजहों से फैला था और इसको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोज आर कंट्रोल मेजर्स। तो ये थी आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक। अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक, थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी में तो आपको पूछा ही जाता है, शॉर्ट नोट आता है या आपको वेरी शॉर्ट नोट के तहत इन्यूमरेट आ जाता है कि इन्यूमरेट करो वेरियस स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक। तो ये आपको पता होना चाहिए थ्योरी के लिए। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा का सबसे पहला सवाल हो किसी ना किसी से तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा कि भाई बताओ स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक क्या होती है। सबसे पहले तो पूछते हैं भाई कितनी स्टेप्स होती हैं ये बता दे, वही नहीं पता तो तू निकल ले फेल हो गया। तो सबसे पहली चीज़ स्टेप्स 10 होती हैं, उसके बाद फिर कौन कौन सी होती हैं तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अगर मैं एमसीक्यूज़ की बात करूँ या पीजी एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो आपको एमसीक्यू आए हुए हैं। तो एक एमसीक्यू जो मुझे मिला था और कई बार रिपीट हुआ है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक, ये आपको एमसीक्यू आया है। तो वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक में पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। हमने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज पढ़ी थी, उसके में हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी पढ़ ली थी, अब हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो हमने करते क्या है, इसमें हम देखते हैं कि कोई स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन है भी कि नहीं डिजीज़ में और उसको कॉज करने वाले फैक्टर या एक्सपोजर में। हम दो तरह से बात करते हैं, एक्सपोजर जो कि आउटकम देता है, यानी कि अगर आप बात करो कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है तो एक्सपोजर आउटकम, तो इसी सेंस में हम बात करेंगे पूरी पूरी एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। तो हमारा मेन काम एनालिटिकल स्टडीज़ में यही होता है कि एक स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन निकालें बिटवीन द डिजीज एंड इट्स कॉजिटिव या सस्पेक्टेड फैक्टर्स। और ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनालिटिकल स्टडी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो मेरा अगला सवाल रहेगा भाई ये बताओ हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एनालिटिकल स्टडी, और कंफर्मेशन के लिए क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये याद रखना, बहुत 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 बार पूछा जाएगा आपसे। फिर अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें एनालिटिकल स्टडीज़ के, तो हमारे पास मुख्यतः आपको तीन नाम तो इसमें याद होने चाहिए और आपको याद होंगे भी, दैट इज़ केस कंट्रोल स्टडी, कोहार्ट स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये तीन नाम तो आपको पता ही होने चाहिए, उसके अलावा तीन और हैं, इकोलॉजिकल स्टडी है, केस सीरीज़ है और नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी है। ये हम देखेंगे क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अगर हम कोहार्ट की बात करें तो कोहार्ट भी तीन तरह की होती है, प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट, रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट और मिक्स्ड कोहार्ट। या मिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव दोनों ही होती है। तो एनालिटिकल स्टडी के बारे में हमने क्या देखा, एनालिटिकल स्टडी के बारे में हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन निकालते हैं डिजीज और सस्पेक्टेड फैक्टर्स या एक्सपोजर के लिए, एंड एनालिटिकल स्टडी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें कौन कौन सी होती हैं, इसमें केस कंट्रोल होती है, इसमें कोहार्ट होती है, इसमें क्रॉस सेक्शनल होती है, उसके अलावा इकोलॉजिकल होती है, केस सीरीज होती है, नेस्टेड केस कंट्रोल होती है। कोहार्ट की बात करें तो कोहार्ट भी तीन तरह की होती है, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव और मिक्स्ड। तो ये तो हो गया आपका एनालिटिकल स्टडीज़ का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। अब सबसे मुख्य चीज़ जो है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो है इसको समझने वाला। बहुत सिंपल भाषा में हम जो मुख्य तीन है पहले उसको समझेंगे,
उसको समझने पे ध्यान देना, लिखने वाला काम, पढ़ने वाला काम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहला काम है समझ लो, एक बार समझ लिया तो हमेशा बनेगा। पहले हम बात कर लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी की। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है ना, अभी एक पॉपुलेशन तुमने देखी कि ये पॉपुलेशन है, इसमें से तुमने देखा, फॉर एग्जांपल हम स्टडी क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हम ये एक स्टडी देखना चाहते हैं कि क्या स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन है स्मोकिंग और लंग कैंसर में, कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉपुलेशन इस वक्त डिसाइड की और हमने इसी वक्त उनसे जाके पूछ लिया, भाई साहब आप एक्सपोज हो, यानी कि क्या आप स्मोकिंग करते हो या क्या आप स्मोकिंग नहीं करते हो। उसके बाद हमने देख लिया कि टोटल में से कितने लोगों में लंग कैंसर है। तो हमने क्या किया, हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कितने लोग बीमार हैं ये निकाल लिया, यानी कि हमने क्या निकाला, प्रिवलेंस निकाल लिया। इसीलिए अगर आपको याद हो हमने यहाँ कहा भी है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी को प्रिवलेंस सर्वे भी कहा जाता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी से आप प्रिवलेंस निकाल सकते हो उस बीमारी का। और प्रिवलेंस का मतलब क्या होता है ये आप बताओ, प्रिवलेंस का मतलब क्या होता है, न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस, और इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, न्यू केसेस। ठीक, वापस आते हैं। क्रॉस सेक्शनल बहुत सिंपल है, क्रॉस सेक्शनल का मतलब ही एक तरह से होता है कि जो हम स्नैपशॉट्स लेते रहते हैं ना, या हम फोटोज़ खींचते रहते हैं, बस ये वही है। हम एक ही बार जाके लोगों से मिलेंगे और उसी वक्त देख लेंगे कितनी बीमारी है, ख़त्म, बात। कोई फॉलोअप नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। हम गए पॉपुलेशन के पास, पॉपुलेशन में पूछा, भाई कितने लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, कितने लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। उसके बाद देख लिया कि टोटल इन सब में से, ये सारे टोटल में से कितनों को लंग कैंसर है, कितनों को लंग कैंसर है, क्या मतलब क्या है, हमको प्रिवलेंस उस बीमारी का पता चल गया, ख़त्म। सिंपल सी बात है। तो सिंपल अगर हम नीचे बना के देखें, क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि हमने एक पॉपुलेशन ली, उसमें पूछा कितने लोग एक्सपोज्ड हैं, कितने लोग नॉट एक्सपोज्ड हैं, उनमें फिर हमने ये देख लिया कि टोटल कितने लोगों में डिजीज़ है, यानी कि हमने प्रिवलेंस निकाल लिया, ख़त्म। बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है बाकी दो में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है। तो केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या करेंगे, ये है आज प्रेजेंट। तो आज में हम क्या करेंगे, हमने ली एक पॉपुलेशन आज, फिर हम समय से पीछे गए, हम समय से पीछे गए और हमने आज जो पॉपुलेशन ली उसमें हमने देखा कितने लोग हैं जिनको वो बीमारी है, केसेस का मतलब बीमार, यानी कि कितने लोग हैं जिनको लंग कैंसर है। और फिर हमने उसी में लिया, इसी पॉपुलेशन में हमने देखा कितने लोग हैं जिनको लंग कैंसर है, कितने लोग हैं जिनको लंग कैंसर नहीं है। फिर उनसे हमने हिस्ट्री ली, उनसे हमने जानकारी ली कि ये जितने लोगों को लंग कैंसर है उनमें से कितने थे जिनको एक्सपोजर था या एक्सपोजर नहीं था, यानी कि कितने थे ये लंग कैंसर वाले जो स्मोकिंग करते थे, जो स्मोकिंग नहीं करते थे केसेस में। और ऐसे ही कंट्रोल्स में भी हो गया कि कंट्रोल से भी पूछा कि कौन लोग थे जो स्मोकिंग करते थे और उसमें भी कौन लोग थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। फिर से समझाता हूँ अब अलग तरह से कि ये है हमारा आज प्रेजेंट। हमने एक पॉपुलेशन ली, उस पॉपुलेशन में से हमने देख लिया कि कितने लोग डिजीज्ड हैं और कितने लोग डिजीज़ नहीं है, जो भी डिजीज़ हम लेना चाहते हैं, लंग कैंसर ही ले लो। अब ये जो डिजीज़ हैं या जिनको लंग कैंसर है उनमें से हमने पूछा कौन जो हैं वो स्मोकिंग करते थे और कौन हैं जो स्मोकिंग नहीं करते थे। ऐसे जो नॉन डिजीज़ हैं उनमें से भी हमने पूछ लिया पीछे कि कौन स्मोकिंग करते थे, कौन स्मोकिंग नहीं करते थे। हमने किया क्या, ये है आपका आज। आज से हम समय से पीछे गए, ये है आपका टाइम का डायरेक्शन, टाइम आपका इस तरफ जा रहा है। हमने क्या किया, समय से पीछे गए और हमने ये देखा कि कौन स्मोकिंग करता था, कौन स्मोकिंग नहीं करता था केसेस में, यानी कि डिजीज़ में, यानी कि लंग कैंसर वालों में। और जिनको लंग कैंसर नहीं था उनसे भी हमने समय से पीछे जाके पूछा कि कौन स्मोकिंग करता था, कौन स्मोकिंग नहीं करता था। इसलिए इसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, केस कंट्रोल स्टडी को ही समय से पीछे जा रहे हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि भाई केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है। हमने आज एक पॉपुलेशन ली, उसके बाद हमने इस पॉपुलेशन में देखा कि कितने लोग हैं जिनको लंग कैंसर है, कितने लोग हैं जिनको लंग कैंसर नहीं है।
ये हो गए हमारे केसेस, ये हो गए हमारे कंट्रोल। जिनको लंग कैंसर है उनसे हमने पूछा कि भाई क्या आप स्मोकिंग करते हो या स्मोकिंग नहीं करते हो। कई लोग होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे, कई लोग स्मोकिंग नहीं करते होंगे। ऐसे ही जिनको लंग कैंसर नहीं है उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। तो ये हो गई हमारी केस कंट्रोल स्टडी। हम समय से पीछे गए, हमने हिस्ट्री ली उन लोगों की। हम समय से पीछे मतलब हम वो टाइम मशीन नहीं, हमने टाइम मशीन में बैठ के पीछे नहीं गए, हमने सिर्फ हिस्ट्री ली उन लोगों से और जानकारी ली और उस बेसिस पे हमने एक स्टडी की। सिंपल। अगर हम कोहार्ट स्टडी की बात करेंगे तो कोहार्ट स्टडी का मतलब होता है हमने एक पॉप कोहार्ट, सबसे पहले तो कोहार्ट का मतलब समझना। कोहार्ट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। कोहार्ट का मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि मैं बोलूँ 2017 बैच के बच्चे, पूरा का पूरा एक कोहार्ट हो गया। या मैं कहूँ आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के 2017 बैच के बच्चे, एक कोहार्ट हो गया। तो कोहार्ट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट की बात करें तो हमने एक कोहार्ट सिलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन सिलेक्ट की। उसके बाद हमने क्या किया, हम समय से आगे गए और समय से आगे जाके हमने देखा कि कौन लोग थे जिनको एक्सपोजर हुआ, या कहना चाहिए जिन्होंने स्मोकिंग करना शुरू किया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ, यानी कि जो स्मोकिंग करना अभी तक शुरू नहीं किए। उसके बाद हम और समय से आगे जाके उनको फॉलो अप किया और ये देखा इन स्मोकर्स में से कितने लोग ऐसे थे जिनको लंग कैंसर हुआ आगे जाके, और कितने ऐसे स्मोकर्स थे जिनको लंग कैंसर नहीं हुआ खूब सारी स्मोकिंग करने के बाद भी। ऐसे ही हम नॉन स्मोकर नॉन एक्सपोज में भी देखेंगे, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की उनमें भी आगे जाके हम फॉलो अप करते रहेंगे और ये देखेंगे इन नॉन स्मोकर्स में से भी कितनों को लंग कैंसर हुआ और इन नॉन स्मोकर्स में से कितनों को लंग कैंसर कभी नहीं हुआ। तो हमने किया क्या, समय की दिशा क्या है, ये टाइम है, और आपकी स्टडी की दिशा क्या है, यही है टाइम। तो इसीलिए इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, क्योंकि ये समय की दिशा में ही जाती है। ये आपका स्टडी का डायरेक्शन है और ये आपका टाइम का डायरेक्शन है। केस कंट्रोल स्टडी में टाइम का डायरेक्शन तो ये था, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी किस तरफ जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, इसीलिए ये प्रोस्पेक्टिव होती है। हमारी स्टडी का डायरेक्शन ये था और टाइम का डायरेक्शन ये, जबकि केस कंट्रोल स्टडी में टाइम का डायरेक्शन तो यही है और हमारी स्टडी का डायरेक्शन भी यही है, इसलिए प्रोस्पेक्टिव स्टडी। सिंपल भाषा में बात करें तो ये तो ये आपकी कोहार्ट स्टडी। इसमें दो चीज़ आपको मुख्य चीज़ याद रखनी है कोहार्ट स्टडी में। पहला शब्द कोहार्ट, कोहार्ट का मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल आपने लिया। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज़ फॉलो अप। आपने फॉलो अप करते हो, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, समय से आगे जाते हो आप। दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव स्टडी की मेन चीज़। तो हमने समझा क्या कि कोहार्ट स्टडी आज शुरू होगी। तो अगर आज शुरू होगी तो इसका मेन मतलब क्या है कि भैया इस वक्त किसी को कोई बीमारी नहीं है कोहार्ट स्टडी में। फिर समय से आगे जाएंगे, देखेंगे कौन एक्सपोज हुआ, कौन एक्सपोज नहीं हुआ। जो एक्सपोज हुआ उसको बीमारी हुई, इसको बीमारी नहीं हुई। जो एक्सपोज नहीं हुआ उसको बीमारी हुई, इसको बीमारी नहीं हुई। तो दैट इज़ आपकी कोहार्ट स्टडी। आप समय के साथ आगे जाके फॉलो अप करते हो। और केस कंट्रोल, समय से पीछे जाते हो आप, हिस्ट्री लेते हो लोगों से और उसके बाद स्टडी करते हो। तो ये थी केस कंट्रोल, कोहार्ट और क्रॉस सेक्शन। अब कोहार्ट जो होती है ना वो दो तरह की होती है, रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, प्रोस्पेक्टिव भी होती है और कंबाइंड भी होती है। इसका मतलब क्या है पहले मैं बता, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि कोहार्ट स्टडी जो है वो तीन तरह की होती है, प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव मिक्स्ड। ज़्यादातर जो कोहार्ट स्टडीज़ होती हैं ना, जो मैंने आपको अभी बताया वैसी ही होती हैं, ज़्यादातर जो होती हैं वो प्रोस्पेक्टिव ही होती हैं, प्रोस्पेक्टिव ही होती हैं ज़्यादातर कोहार्ट स्टडीज़, इतना तो याद रखना। हाँ, समझने के लिए हमको पता होना चाहिए रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी क्या है। प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी जो हमने बोला था, हमने एक पॉपुलेशन सिलेक्ट की यानी कि कोहार्ट, हमने उसको समय के साथ आगे गए फॉलो अप किया, फिर देखा हमने एक पॉपुलेशन ली, समय के साथ आगे गए, देखा किसने स्मोकिंग करना शुरू किया, किसने स्मोकिंग करना नहीं शुरू किया, जो स्मोकिंग करते थे उनमें से कितनों को लंग कैंसर हुआ,
कितनों को लंग कैंसर नहीं हुआ, जो स्मोकिंग नहीं करते थे उनमें से कितनों को लंग कैंसर हो गया और कितनों को लंग कैंसर नहीं हुआ। दैट इज़ हमारी प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट। रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट का मतलब क्या होता है? फिर वही है, हम समय में थोड़ा सा पीछे गए। यहाँ पे हमारा स्टडी का डायरेक्शन ऐसा है और टाइम का डायरेक्शन भी ऐसा है, इसलिए कोहार्ट है। ठीक है, अब हम क्या किए, समय से पीछे गए और यहाँ पे हमने एक कोहार्ट सेलेक्ट किया। हम हिस्ट्री लिए और 5-6 साल 10 साल पीछे जाके एक पॉपुलेशन सेलेक्ट की कि भैया ये लोग, इस शहर के लोगों पे हम स्टडी करेंगे। फिर हम उनको, उनसे जानकारी ले लेके पूछा कि भाई 5 साल बाद आपने, आप में से कितनों ने स्मोकिंग शुरू की। इनने कहा 5 साल बाद कुछ लोग थे जिन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी थी, कुछ लोग थे जिन्होंने स्मोकिंग शुरू फिर भी नहीं की थी। फिर उसके बाद इस वक्त उनमें से कितनों को लंग कैंसर है और कितनों को लंग कैंसर नहीं है, और जो नॉन स्मोकर्स थे उनको भी इस वक्त कितनों को लंग कैंसर है और कितनों को लंग कैंसर नहीं है। हुआ क्या, ये है आपकी रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी। इतनी हमने क्या किया, समय से पीछे गए। उसके बाद स्टडी का डायरेक्शन क्या है हमारा, अभी भी स्टडी का डायरेक्शन यही है। यहाँ से हमारी स्टडी स्टार्ट हुई है, याद रखना स्टडी का डायरेक्शन यही है, टाइम का डायरेक्शन भी यही है। बस हुआ क्या, हम समय से पीछे गए और इस वक्त में आके ठहर गए। ये हमारी हो गई रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट। रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट क्यों, रिट्रोस्पेक्टिव क्योंकि समय से पीछे गए, कोहार्ट क्यों क्योंकि जो हमारा स्टडी का डायरेक्शन है वही हमारा टाइम का डायरेक्शन है। रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट और प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट तो आपको मैंने समझा दी थी। रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट बहुत सिंपल है, ये अगर प्रेजेंट है तो हम समय से पीछे गए, हमने एक पॉपुलेशन सिलेक्ट की, समय से आगे आए, अभी देखा इस वक्त आज की डेट में कौन स्मोकिंग कर रहा है कौन स्मोकिंग नहीं कर रहा है, और उसके बाद फिर हम समय से आगे जाके इनको फॉलोअप करके देखेंगे किसको लंग कैंसर हुआ किसको लंग कैंसर नहीं हुआ। जो नॉन स्मोकर्स थे उनको भी आगे फॉलोअप करेंगे, उनमें देखेंगे किसको लंग कैंसर हुआ किसको लंग कैंसर नहीं हुआ। तो ये क्या हुई, रिट्रोस्पेक्टिव को रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट। क्यों, समय से पीछे गए, उसके बाद आज तक आए, उसके बाद आज से आगे गए। तो समय से पीछे गए दैट इज़ रिट्रोस्पेक्टिव, और समय से आगे जा रहे हैं दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इसको हम डिटेल में अभी केस कंट्रोल में अलग से पढ़ेंगे, एक प्रोसेक्शन